दोस्तों आज का ये वीडियो मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस आप रियलमी स्मार्टफोन कंपनी के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि हमें काफी अच्छे स्मार्टफोन जो है प्रोवाइड कराती है काफी कम प्राइस के अंदर। और रियलमी काफी सारी न्यू टेक्नोलॉजी जो है मार्केट के अंदर लाती रहती है, जैसे कि रियलमी ने रियलमी 7 प्रो के अंदर जो है 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग का जो है सपोर्ट दिया था, वो भी काफी कम प्राइसिंग के अंदर। और रियलमी की वजह से मंजूरन दूसरी कंपनी को भी अपने कम से कम कीमत वाले स्मार्टफोन में 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग का जो है सपोर्ट देना पड़ा, नहीं तो उनके स्मार्टफोन को कौन लेता। और ऐसे में एक बार फिर रियलमी अपने अपकमिंग रियलमी GT में 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग का जो है सपोर्ट देने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग बात होगी। दोस्तों आज हम रियलमी GT के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और साथ ही में बात करेंगे इस फोन में आपको क्या क्या स्पेक देखने को मिल सकते हैं, इस फोन की प्राइसिंग क्या हो सकती है इंडिया के अंदर, और ये स्मार्टफोन आपको कब देखने को मिलेगा इंडिया में, सभी के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए गाइस इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में, क्योंकि इस फोन में जो हमें बैटरी मिलने वाली है वो काफी बढ़िया मिलने वाली है। इस फोन के अंदर आपको 5000 mAh जैसा जो है बड़ा बैटरी देखने को मिल जाता है, और बड़ा बैटरी के साथ साथ इस फोन में आपको 125 वॉट की यानी कि 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग का जो है सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि हमें अभी तक किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिला है। और आपका ये स्मार्टफोन जो है 0 से 100% 30 मिनट में चार्ज हो जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात होगी। दोस्तों अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जो कि काफी जल्दी चार्ज हो जाए, तो आप ये स्मार्टफोन जो है खरीद सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इस फोन के परफॉर्मेंस को लेकर, यानी कि इस फोन के प्रोसेसर को लेकर। तो दोस्तों इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 888 का जो है प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से काफी अच्छा प्रोसेसर है। और इस फोन में आप हेवी से हेवी गेम जो है बहुत ही इजिली खेल पाएंगे, और ये प्रोसेसर जो है 5 नैनोमीटर पर बेस्ड है। और इस फोन के अंदर जो है आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि रियलमी UI 2.1 पर बेस्ड होगा। दोस्तों देखा जाए तो प्रोसेसर इस फोन का काफी अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं दोस्तों इस फोन के कैमरास के बारे में। तो इस फोन के अंदर जो है आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सोनी का सेंसर जो है देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में आपको दो सेंसर और देखने को मिलेंगे, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। वहीं पे बात करते हैं इस फोन के सेल्फी कैमरे के बारे में। तो सेल्फी में आपको 32 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जो कि पंच होल के साथ आएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो कैमरा भी इस फोन का अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों इस फोन के डिस्प्ले के ऊपर। तो डिस्प्ले भी इस फोन में आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इस फोन के अंदर आपको 6.8 इंच की फुल HD प्लस एक OLED डिस्प्ले मिलने वाली है, यानी कि इस फोन में आपको एक सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और साथ ही में आपको इस फोन में जो है 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट जो है देखने को मिल जाता है। दोस्तों डिस्प्ले इस फोन की काफी स्मूथ चलने वाली है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी अच्छी होगी। अब दोस्तों फाइनली आते हैं इस फोन के प्राइसिंग के ऊपर, क्योंकि इस फोन में आपको स्पेक जो है काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इस फोन की प्राइसिंग आपको 30 से 35 हजार के बजट में जो है देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको इस फोन की प्राइसिंग कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग ये फोन जो है ओवर प्राइसिंग है, यानी कि इस फोन की प्राइसिंग स्पेक के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा है। बात करते हैं इस फोन के लॉन्च डेट के बारे में। दोस्तों ये फोन 4 मार्च को जो है चाइना में लॉन्च होने वाला है, उसके कुछ टाइम बाद ये फोन आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे इस फोन के लॉन्च डेट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। दोस्तों यही था रियलमी GT के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।